सो स्टिल अगर तुसी मैनू जिन्ना का मैं डांट खा के आया उन्ना का तुसी मैनू प्यार दे दो तो मेरा हौसला बच जाएगा, मैं अपना काम ठीक कर लूंगा। थैंक यू। इन्ना ज्यादा भी नहीं कि मैं पंजाबी चल रही है। अच्छा पता नहीं मन करता। सो परिचय, मेरा नाम सतीश पंडित है और जो 30 तारीख गई है नवंबर की, इस 30 तारीख को मैंने सेकंड एनिवर्सरी अपने इस बिजनेस की सेलिब्रेट की है। 2 साल मेरे को इस बिजनेस में हुए। बेसिकली जो मेरा प्रोफेशन है वो लैंडस्केप का है। बीइंग जर्नलिस्ट मैंने 11 साल काम किया और ईश्वर की बड़ी कृपा रही और बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद रहा कि जिंदगी में वो सब अनुभव किए जिसको लेके आदमी के अंदर बहुत तलब होती है, ख्वाहिश होती है। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने स्पेशली मेरे को सबसे बड़ी जो चीज़ दी वो ये कि मेरे को गलतियां करने का पूरा पूरा मौका दिया। मेरे को पकड़ा नहीं, कहा नहीं कि ये कर और ये मत कर। सो वो आदमी का स्वभाव ही होता है कि वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। सो अगर नाम चाहा तो नाम मिला, अगर काम चाहा तो काम मिला, अच्छा काम मिला। मैरिज हुई, माय वाइफ आई फील ब्लेस्ड जिस तरह की लेडी के साथ मैं रह रहा हूँ एंड उनके कॉपरेशन से इतना मैं सारा कर पाया हूँ, क्योंकि 2 साल में मैंने काफ़ी काम किया है ऐसा मेरा दिल मानता है। ये शूज़ जो मैंने अभी पहने हुए हैं और मेरा औसतन इन जूतों को मैं लगभग 19 घंटे पाँव में रखता हूँ। 5 घंटे मेरा पाँव से जूता उतरता है इन दिनों। तो अगर मैं घर से बाहर रहता हूँ तो उनकी कॉपरेशन है और शी इज़ वर्किंग एज एन ऑफिसर विद द गवर्नमेंट। बच्चे हैं हमारे पास 2 और फैमिली में अधिकांश लोग जो हैं, क्योंकि बेसिक मेरा ओरिजिन पंजाब का है तो पंजाब में एक ट्रेंड रहता है बाहर सेटल होने का, फॉरेन में है ब्रदर। चलते चलते ये बिजनेस रस्ते में आया। उस वक्त मेरे अपने बिजनेस में प्रायोरिटीज मेरी वही थी और बड़ा कहना चाहिए शेड्यूल बहुत टाइट था, उसके बावजूद ये मालिक की नेमत और नेमत थी कि उस वो टाइम वो वक्त वो सब ईश्वर की कृपा ही थी कि मेरी समझ में आ गया कि इसको करना चाहिए। सो मैंने इसको किया। इस 2 साल में लगभग 14 लाख रुपया मेरे को आसियम बिजनेस से मिला। लास्ट पेड ऑफ जो है करीब 1,57,000 का एक मंथ का चेक है मेरा पिछला। और आज स्पेशली हम जो बात करेंगे उसमें 2 साल के अंदर कुछ जो मैंने सीखा है, अपलाइन से सीखा विद प्राउड, मेरे जो स्पॉन्सर है मिस्टर सुरेंद्र वत्स, उनकी पर्सनैलिटी ने मेरे को बहुत प्रभावित किया। मैं एक चीज आपको बताऊं, हर आदमी को एक वहम होता है कि वो बहुत अच्छा है ना, है ना? लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये बात तब समझ में आती है जब वो सच में किसी अच्छे आदमी के समक्ष खड़ा होता है, तब वो तुलना करता है कि मैं कहां हूं। तो मैं बहुत बौना हूं उनकी पर्सनैलिटी के आगे। और समटाइम लोग मेरे को ये बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, मेरा जवाब होता है कि आपको कोई अच्छा आदमी अभी नहीं मिला। That's why you are telling me. So I feel blessed. इस तरह की अप्लाई मेरे साथ है मुकेश जी कोठारी, जो बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें उनकी, बागचंद जी छाबरा, कैलाश जी और स्पेशली तिलोक जी की जो मार्गदर्शन है उनका, और ये परिकल्पना इतनी ठोस वो उन्हीं की देन है। तो इन सब लोगों की मदद के साथ और हिंदुस्तान भर में लगभग 25 स्टेट, 700 से ज़्यादा पिकअप सेंटर और 125 से ज़्यादा प्रोडक्ट और हजारों हजारों डॉक्टर गगनदीप जैसे जुझारू लीडर, इन सब के साथ हम इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाले जो 2 साल का जो ग्राफ है इस बिजनेस का, वो हम सब की आकांक्षाओं से, उम्मीदों से बहुत अच्छा होने वाला है। कभी इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। और आप इस बिजनेस में आ गए, इस बिजनेस में काम करते करते ऐसी 7 चीज़ें मैंने पाई हैं, ऐसे 7 सेंसिटिव पॉइंट मैंने पाए हैं जो हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटीज। अगर हम उन 7 चीज़ों को प्रायोरिटी के साथ करेंगे, जो जब वो दिन आए तो तब हमारा फोकस क्या हो, यदि इस चीज़ पे हमारा फोकस रहे और उस चीज़ को हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अगर कर पाएंगे, तो बीच का टाइम अगर कहीं आदमी कुछ काम कम भी करता है तो चल सकता है। वो 7 पॉइंट है जिसको मैंने टाइटल दिया है 7 सेंसिटिव डेज। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं ताकि याद रहे, वो 7 दिन। हेलो, ठीक है। तो पहला जो दिन है, जो जब आपकी जिंदगी में आए,
कुछ लोगों की आने वाला है, कुछ लोगों की आ चुका है। वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है जब आप इस बिजनेस का पर्चा साइन करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये बिजनेस शुरू किया, इस बिजनेस में बहुत कुछ मिलता है। जो लोग इसको साइन कर चुके हैं, आप सपोज करें कि एक आप छोटी सी दुकान खोलें कहीं, वो जो पहला दिन होता है जब उसका मुहूर्त आप करते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आप एक बार नहीं दो बार नहाते हैं उस दिन, हाँ जी, वहां जाने से पहले मंदिर जाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं उसका, ठीक, और अपने मन में बड़ी उमंग, बड़ी श्रद्धा, बड़ा एक होप, कोई अपशगुन ना हो जाए उस दिन, इतने एहतियात है ना। इन सब चीजों का कंक्लूजन लेके आप उस दिन शुरुआत करते हैं, कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, कोई कस्टमर, स्पिरिचुअल कस्टमर, रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई चीज, कोई पार्ट है, यानी एनीथिंग। तो सवाल यह है कि जब आप इस बिजनेस को साइन करते हैं, क्या तब इस तरह का भाव आता है? जनरली नहीं आता, क्योंकि हम इसको बिजनेस मान के साइन नहीं करते, शायद बाद में फील होता है ना। यदि आपने शुरू करना है तो आप, मेरी राय है कि इसको इस तरह से शुरू करें। हेलो, यदि कर चुके हैं तो कल मान लीजिए कि वो पहला दिन है, कल कुछ अलग से टाइम निकालें। अगर आपका चेक आ चुका है तो उसको किसी पवित्र जगह पे रखें, मालिक को उसमें हाजिर नाजिर करें। हेलो, वो हेल्प बिल्कुल फ्री है। हाँ जी, वो जो है आप सबकी अपलाइन की भी अपलाइन है। हेलो, एक पिक्चर में एक डायलॉग था, एक प्रभावशाली जो बिजनेसमैन है वो अपने बेटे को बोलता है कि आज की दुनिया में ऐसा बला बला करने के लिए सबके स्विच अपने हाथ में रखने पड़ते हैं। हाँ जी, और वो आगे से जवाब देता है कि एक मेन स्विच है जो उसके पास है, यदि उसने ऊपर कर दिया हेलो आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपकी अकल, नॉलेज, कुव्वत, सब आपको मुबारक हो, लेकिन मेन स्विच है कहीं। हेलो, ठीक है, तो इस तरह का भाव लें, इस तरह का संकल्प करें, उस मालिक को हाजिर करें उसमें, ठीक है, तो एक अच्छी शुरुआत। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल काम में बड़ा हम करते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वो आगे नींबू टांगते हैं कुछ लोग, या परांदी टांग देते हैं, है ना, परांदी टांग के नहीं घूमना कल से। हेलो, सो इस तरह का कुछ आप सहमत है? अगर आप इस तरह का करके शुरू करोगे तो आपको हर वक्त में वो याद आता रहेगा। हेलो, जब भी मुश्किल आएगी वो याद आएगा, मी एंड गॉड कैन डू वंडर। हेलो, मी एंड गॉड, हम दो मिलके कमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो दूसरा जो है वो आपके साथ हर वक्त हो, वो है, लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड के साथ उसको साथ रखेंगे, आभार व्यक्त करते हुए हर वक्त, तो उसकी कृपा निश्चित रूप से ज्यादा बरसेगी आपके ऊपर, ठीक है। पहला दिन, सेकंड, दूसरा जो सेंसिटिव दिन आपके बिजनेस में होगा वो हर महीने में एक बार आता है, जब आपके बिजनेस की क्लोजिंग होती है, जिस दिन आप सारा बिजनेस कलेक्ट करके पोस्ट करते हैं भीड़वाड़ा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। सभी, सारा बिजनेस कलेक्ट हो ठीक से, सारा चेक हो, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं, गलती तो नहीं, ठीक, उसकी फोटोकॉपीज करवाएं, पीछे आपके पास रिकॉर्ड हो, कुरियर गुम हो गया तो क्या होगा। हेलो जी, और जब आपका ग्रुप बड़ा हो तो बड़े ग्रुप में जहां पे अभी नए सीखने वाले लोग हैं, उस डेट को आपका वहां होना जरूरी है। हाँ जी, मैं हर महीने प्लान करता हूं कि मुझे 8 तारीख को कहां होना है, एवरी मंथ, अगले मंथ का मेरे को भी इसे पता है। अभी देहरादून में मेरा बिजनेस है, 1 लाख का बिजनेस 40 लाख से ज्यादा है, वहां जो पहला एक्टिव आदमी है उसके ऊपर एक व्यक्ति है, वो एक्टिव नहीं थे 2 साल से, अब उन्होंने एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, 5-7-10 हजार का बिजनेस किया, मैं वहां गया उनको बताने की क्लोजिंग प्लेसमेंट कैसे होती है। यानी उस ग्रुप में 5 हजार का बिजनेस बढ़े, इनकम से कोई सरोकार नहीं इसका, पर आई एम द ओनली पर्सन विटमिन, ही एंड मी, वी आर 2 पर्सन ओनली। आई वेंट ओवर देयर, आई केम बैक दिल्ली, वहां कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी, 8-9 तारीख का ये शेड्यूल इस तरह से मैंने एवरी मंथ, क्लोजिंग से कंसर्न जितने भी जरूरी काम है आपकी एक्टिव अपलाइन आपको बता सकती है। बहुत बार किसी अच्छे आने वाले भावी लीडर का आप वहीं पे फ्यूचर चौपट कर सकते हैं, इस त्रुटि के बारे ये गलती ना हो। हर महीने की क्लोजिंग में आपको पता हो मुझे कहाँ होना है, क्या करना है, और जहां पे आप क्लोजिंग करा रहे हैं वहां पे उन लोगों के साथ डिस्कस करो कि इसको ऊपर, इसको नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, क्यों, वाय सिखाना है। हेलो, गॉट इट। थर्ड, तीसरा सेंसिटिव महत्वपूर्ण दिन जो है वो आपके बिजनेस में होगा, हर मंथ में आपने बिजनेस भेज दिया,
उसके बाद एक डेट होती है जिस दिन बिजनेस फाइनल होता है, भीलवाड़ा कंप्यूटर में सारा फीड होता है, फाइनल होता है उस दिन। उस दिन तक आप असेस करें कि किस व्यक्ति का चेक बनना था, सारा बिजनेस सबमिट हो गया या नहीं हो गया, कोई त्रुटि के कारण कोई ब्रेक ट्री में तो नहीं पड़ा, किसी का टारगेट रह रहा है 200 रुपए की शॉपिंग अगर हो जाए तो उसको चेक कर सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत इंपॉर्टेंट, संपर्क में रहें आप नए लोगों के, ये हर मंथ में आने वाले दिन है। फोर्थ वन इज बिग इवेंट, जब कोई बड़ा सेमिनार आता है, इस बिजनेस की या कोई चीज, इस बिजनेस की कला है जो, या इस बिजनेस को बढ़ने के लिए 80% कोई एक चीज अगर कारण है तो है बड़ा फंक्शन, बिग इवेंट। कोई बड़ा सेमिनार आने वाला है, उसमें आपने क्या क्या करना है, उसकी तैयारी में आप कितने मुस्तैद हैं। और सपोज जैसे 2 जनवरी को करनाल में और 30 जनवरी को लुधियाना में सेमिनार है, ठीक, आपने भी जाना है, मुझे भी जाना है, आपने कहां से चलना है, किसको लेके चलना है, कैसे पहुंचना है, ये सारे की प्लानिंग, आपकी टीम कहां कहां से आएगी, किस किस साधन से आएगी, कितना रास्ता है, वो सब चीजें वेल मैनेज्ड शेड्यूल्ड शुरू में खुद करना पड़ता है। देखिए किसी भी व्यक्ति को, आज यहां बहुत सारे लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं स्पेशली, उनको कोई बुलाने नहीं गया, वो अपने आप आए। शुरू में एक आम व्यक्ति को उसको आदत में लाना है, सिस्टम में लाना है, बाद में वो सिस्टमाइज हो जाएगा खुद। बच्चे को जैसे पहली बार स्कूल भेजते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, टिफिन खाना, ट्रॉफी खाना, मैडम झूला जलाएगी, पापा लेने आएंगे, हेलो, ऐसे बोलते हैं, तब भी कभी जाता है कभी नहीं जाता है। लेकिन जब वो सिस्टम में आ जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर उसको पता होता है कि आज काम नहीं किया, मैडम भी पीटेगी और मम्मी भी पीटेगी, तब भी जाता है, हेलो, सिस्टमाइज्ड। एक बड़ा सेमिनार और उसके लिए किया हुआ आपका पूरे बल से एक प्रयास आपकी जिंदगी की सारी मुश्किलें हल कर सकता है। मुझे याद है शायद 17 जनवरी की, 2 साल पहले की बात है, इसी हॉल में मेरी एक मीटिंग थी 16 जनवरी को, और देहरादून में 3 दिन फील्ड वर्क करके आया था और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि 3 क्वाइल्स लेके आएंगे। कितनी? 3, लगभग 25-30 लोग। मैं क्या, बिजनेस चल गया भाई, अगर पहला ही प्रयास था मेरा, अभी एक महीना भी नहीं हुआ था। तो 3 दिन रह के मैं 15 तारीख को इधर आया, 15 को आके मैंने शाम को फोन किया, कहते जी 3 तो नहीं, 2 पक्का, 2 जरूर आएंगे। मैं कहा चलो 2 भी बुरी नहीं है। अगले दिन फोन किया कि 2 तो नहीं, 1 जरूर, पर 1 जो है ना वो खास खास लोगों की आएगी, बढ़िया। मैं कहा चलो एक ही ठीक है। 16 तारीख मैंने यहाँ मीटिंग की और मीटिंग जैसे खत्म हुई 9 बजे 10 बजे मैंने फिर फोन किया, कहते कि ऐसा है कि वर्मा जी का बहस जो है वो ठीक है, शर्मा जी की इस तरह के बहाने, हाँ फिर ऐसा करते हैं कि मेरे वाली जो कार है उसमें 3 लोग आ जाएंगे, मेरे को मिला के 4। एनीवे मैंने फिर 11:30 बजे फोन किया, तब मेरा परमानेंट स्टे था चंडीगढ़ में, मैंने फोन किया तो पता चला कि 1.25 घंटे बाद कि वो ऐसा है जी, वो वैसा है, अब वो मरुति भी आते आते रुक गई। अब मुझे पता था कि स्कूटर तो आ नहीं सकता, तो फिर लास्ट में उस व्यक्ति ने एक बोला कि ऐसा है कि अब साथ तो कोई है नहीं, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं भी फिर अगली बारी से ही, सवेरे बिटिया का पेपर भी है, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया 11:30 बजे रात को, सुबह फंक्शन कहाँ, पानीपत रोड धर्मशाला। मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने खाना खाया इधर ही, ये नागपाल रेस्टोरेंट है ना, खाना खा के खाते खाते मैंने सोचा कि अब तुरंत क्या करना है, यहाँ से भी कुछ लोगों ने जाना था। एनीवे मैंने क्या किया कि ट्रिब्यून में कुछ वाकफियत है, मैं ठीक 12 बजे ट्रिब्यून पहुँच गया, वहाँ पूछा, वो पता चला कि 1:30 बजे वो गाड़ी जाती है जो देहरादून अखबार छोड़ती है, देहरादून, बैठा उसमें 4:45 बजे उस गाड़ी ने मेरे को देहरादून घंटाघर उतार दिया। मैंने वहाँ जाके फ़ोन किया, उस व्यक्ति को लगा, उसने इस तरह से जवाब दिया, हाँ आप होया हो, हम फिर अगली बार देखेंगे, उसको लगा कि चंडीगढ़ से बोल रहा। मैंने बोला कि घंटाघर से बोल रहा हूँ, आ जाओ, निकल गए। मैं वहां रुका 2 घंटे, 1 क्वाइल्स, 1 मारुति कार में लेके आया, केवल केवल 22 महीने 50 लाख का बिजनेस है, 4 टेक्निकल, 15 रॉयल्टी, हाँ जी, 1 बड़ा फंक्शन, और उस पे आपकी मुस्तैदी, उस पे आपका किया हुआ ठीक ठीक काम। जब कोई बड़ा फंक्शन आता है तब आपको क्या करना है, डिटेल में बहुत सारी चीजें इस पे डिस्कस हो सकती हैं। अगर आप ये पॉइंट अपने दिमाग में रखोगे तो आपका दिमाग आपको आइडिया देगा, नए नए आइडिया देगा। लुधियाना अगर फंक्शन हो रहा है और आप उतावले हैं अमृतसर में बिजनेस करने के, अमृतसर वाले व्यक्ति को लुधियाना बुलाओ, देन फिर अमृतसर जाओ। ऐसे में जो भी चीजें हैं, करनाल में फंक्शन है, उस फंक्शन में किन नए लोगों को मैंने बुलाना है, मेरे पास लिस्ट है उनकी। लुधियाना में किन नए लोगों को बुलाना है, किसको लेके जाना है, मेरे पास लिस्ट है। एक अपनी डायरी में हॉट लिस्ट रखें हर वक्त, हॉट लिस्ट, किन लोगों को रेगुलर फोन करने हैं, किन लोगों को फॉलो करना है, और इस मंथ की प्रायोरिटीज क्या है। अब मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, इवन दो। नेक्स्ट, फिफ्थ वन,
काउंसलिंग डेट, आपकी अपलाइन हो सकता है बहुत बिजी हो, बहुत बिजी, और मे बी आपको उनके साथ बैठने का टाइम ना मिले उनकी वजह से, पर अगर एक महीना 40 दिन के अंदर आप सीरियसली डैम सीरियस क्रॉस द टेबल वन ऑन वन दो घंटे एक घंटा सीरियसली अपने बिजनेस को डिस्कस नहीं करते तो ये आपकी गलती है। काउंसलिंग डेट वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा शेड्यूल बिजी रहता है, वसा का भी रहता है। ऐसा बहुत बार हुआ कि वो एक पर्टिकुलर रूट से जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर रूट से उन्होंने ट्रेन चेंज करनी है, मैं उस स्टेशन पे पहुंच गया, वहां उनके साथ घंटा बात की। कभी ऐसा हुआ कि वो अंबाला से ट्रेन पकड़ रहे हैं दिल्ली की, उनके पास भी टाइम नहीं है, मेरी भी दिक्कतें हैं, और मैंने टिकट लिया दिल्ली का रेलवे स्टेशन, उनके साथ ट्रैवल किया 3 घंटे, बात की, वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ गए, वापस आ गया। इट्स माई जॉब, इट्स माई बिजनेस, इससे मेरे को फायदा होना है। काउंसलिंग डेट वेरी सीरियस। उनके सामने अपना बिजनेस ड्रॉ करके रखें और उनकी सलाह लें, ये मायने है इसका। अपना शेड्यूल उनको नोट कराएं, ठीक है, उनका वो शेड्यूल जो आपको उन्होंने अलॉट करना है उसकी चर्चा करें। शुरू में नहीं पता होता हमें कि मीटिंग कहाँ हो तो ज़्यादा फायदा हो, लेकिन ये आपको बार बार सीटिंग के बाद इस बात का नॉलेज हो जाएगा। सिक्स्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेन द राइट पर्सन कम्स। आपका बिजनेस तब उठेगा, आप काम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, सब हो रहा है, उसमें एक्चुअली उठाव तब आएगा जब सही किस्म का व्यक्ति आपके बिजनेस में साइन करेगा। जिंदगी हो या ये बिजनेस, इसमें तब उठाव आता है जब इसमें क्वालिटी पीपल आते हैं। कौन? क्वालिटी पीपल। क्वालिटी पीपल जो हैं वो ये बिजनेस हो या जिंदगी, उसमें आते तो हैं पर हमारी कुपात्रता के चलते ठहरते नहीं हैं। अपनी पात्रता को हम बढ़ाएं, अच्छा करें। जब राइट पर्सन आपके बिजनेस में आए, मान लीजिए आपका बड़ा ग्रुप भी है, आप मीटिंग लेने गए, उस मीटिंग में एक व्यक्ति ऐसा आपने आइडेंटिफाई किया, आप बीइंग लीडर आपने आइडेंटिफाई करना है, उनकी एक्टिव अपलाइन को रेफरेंस देना है, खुद उसको संभाल करना, थोड़ा जो भी मजबूत व्यक्ति होगा वो आपको उतना कष्ट भी दे सकता है। हाँ जी, पोटेंशियली आदमी तो देगा। एक शेर है उर्दू का, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। अमानी क्या है? डायरेक्टली रिलेट नहीं करेगा इस बात से, पर इसको समझे क्या कहना चाहता है शायर। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए, यानी जिनको खौफ है, जो कमजोर हैं, वो तो जैसे हवा चलेगी बुझ जाएंगे, जो बेखौफ हैं यानी जो ताकतवर हैं, हवा चलने से वो आग लगा देंगे, उनको बचाने की जरूरत है। सो जो ताकतवर व्यक्ति है, जो पोटेंशियल पर्सन है, जब वो आपके बिजनेस में आता है तो उसकी संभाल जो है बहुत जरूरी, वो आपको हार्डशिप दे सकता है। सहमत है आप? और पोटेंशियल पर्सन जो होता है उसके साथ व्यवहार को लेके, काम को लेके, सब चीजें बहुत सदी हुई होनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के आगमन पे अपनी अपलाइन को काउंसिल करें, उनकी हेल्प लें। मे बी तब आपका स्टेटस उस दर्जे का ना हो, मे बी आपकी पर्सनैलिटी अलाइज ना करती हो वहां पे, मे बी, देन टेक प्रॉपर हेल्प, उसकी संभाल। गॉट इट? यस। और अपने ग्रुप में हमेशा इस चीज को कोशिश करें आइडेंटिफाई करने की, कौन लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, किसका क्या बैकग्राउंड है, किसका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। कोई आदमी अच्छे से काम कर रहा, मे बी आपका एक डिस्टेंस ग्रुप हो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, वहां पे औसतन 30-40 हज़ार का बिजनेस आता है, ठीक है, आप उसको वॉच करें, कभी चेक करें कि एक महीने एक ही व्यक्ति ने 20-25 लोगों को ज्वाइन कराया, ये घंटी है, हेलो, अलर्ट हो रहे हैं वहां पे। अगर उस व्यक्ति को संभालिए, क्योंकि जो लोग 40 हज़ार का बिजनेस आपको भेज रहे हैं पिछले 6 महीने से, वो यूजर है, हेलो, वो कस्टमर है, अल्टीमेट पर्सन नहीं है। जब इस तरह की घटना हो, इस तरह का सूचना आए, तो उसको आप कहीं भी बैठे हैं, आप काउंसिल करें अपलाइन से कि उसको किस तरह से हैंडल करना है। डॉक्टर गगनदीप सिंह जी का बिजनेस सबको अच्छा लगता है, लगता है ना जी, हेलो, और ऑफ कोर्स वो मेरे ग्रुप में है, 4 महीने में 12 लाख का बिजनेस है, पर मैं और मेरा भगवान जानता है कि मैंने उन्हें किस तरह से हैंडल किया। हाँ जी, पूछ लेना कभी। पोटेंशियल पर्सन। सेवंथ एंड लास्ट वन, सबसे, इसको नंबर 7 पे इसलिए रखा है कि ये खास चीज है इसमें, नहीं ये तो आप वैसे भी नहीं बोलेंगे। सेवंथ वन इज व्हेन यू गेट रिवर्स देन यू एस्पेक्ट। जब आपको चलते चलते वो मिले जो आप नहीं चाहते, हाँ जी, विपरीत स्थिति जब आए, ये 7वां दिन है, ये महीने में 1 बार आ सकता है, महीने में 2 बार आ सकता है, और 1 दिन में 7 बार भी आ सकता है।
नो प्रॉब्लम. जब आपके सामने रिवर्स परिस्थितियां आ जाएं, आप जो उम्मीद करते हैं उससे उलट हो, वो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है. द टाइम व्हेन यू फील कि यू शुड क्विट, जब आपको लगे कि आज के बाद शायद, जैसे मेरे को 4:15 ऐसा लग रहा था जब मैडम आई और मुझे याद था कि ये 7वां दिन है, होशियार हो जाओ. क्योंकि ये बुक है, मैंने स्पेशली यहाँ रखी, मेरा चीज किसने हटाया. देखिए, जिस तरह की किताबें हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, टन्स और बुक, टन्स ऑफ मटेरियल, कई टन किताबें हैं वर्ल्ड वाइड, इससे मेलजोल खाती. सबसे यूनिक किताब है मेरा चीज किसने हटाया, बिल्कुल अलग तरह की किताब, अलग तरह का स्टफ है इसमें. और इसमें इसका जो प्रेफेस है, जिसमें इसकी इंट्रोडक्शन कह लीजिए, जहां उस राइटर का एक छोटा सा मैसेज, जीवन कोई सीधा या आसान गलियारा नहीं है जिसमें हम उन्मुक्ता से बिना रुके हुए चले जाएं, बल्कि गलियारों की एक भूल भलैया है जिसमें हमें अपना मार्ग खोजना पड़ता है. कई बार हम भटक जाते हैं, दुविधा में होते हैं और अंधी गली में रुक जाते हैं, परंतु हमेशा यदि हम में आस्था है, ईश्वर हमारे लिए द्वार खोल देगा. गौर से सुने, परंतु हमेशा यदि हम में आस्था है, ईश्वर हमारे लिए द्वार खोल देगा. शायद वह द्वार नहीं जिसके खुलने की हमने कल्पना की थी, परंतु वह द्वार जो हमारे लिए अत्यंत अच्छा सिद्ध होगा. विपरीत स्थिति क्या होती है कि हमें ये उम्मीद थी कि मैं 500 किलोमीटर चल के आया और इस व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए था, हाँ जी, पर ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि ये ज्वाइन करे, क्योंकि उसकी इच्छा उससे भी अच्छा रास्ता खोलने की थी आपके लिए. एपीजे अब्दुल कलाम साहब देहरादून आए थे पायलट बनने के लिए, काम नहीं बना उनका, फेल हो गए, हरिद्वार में रुके, एक बाबा के पास गए, तो उन्होंने बोला कि आप निराश नहीं हो, ईश्वर ने शायद आपके लिए इससे अच्छा कोई सोचा है. सही है गलत है? तो ऐसी बहुत कई बार आपके सामने ये स्थितियां आएंगी जब जो आपने एक्सपेक्ट किया हो, जो आपने उम्मीद की हो, उससे बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन होगी. और उस सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, उसका बहुत बड़ा सरोकार असर होगा आपके फ्यूचर के ऊपर. बिजनेस स्कूल ये किताब है, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, लकीली कि मैंने इसको लगभग 2.5 साल पहले पढ़ा था. रॉबर्ट कियोसाकी, इनका ये मानना है कि MLM जो है वो एक वरदान है, एक ब्लेस है जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए. और ये व्यक्ति खुद जो है नेटवर्किंग नहीं करते. उन्होंने बोला कि मेरे को, उनको एयरफोर्स में उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी उस टाइम की, कहते कि मेरी ट्रेनिंग उस वक्त हो गई कि जब एक ही सेकंड में डिसीजन लेना था. हाँ जी, जब आप पायलट कैसे डिसीजन लेता है, तो आदमी के साथ जिंदगी में जो डिसीजन होते हैं, छोटे बड़े डिसीजन, वही पे करते हैं. आदमी की पूरी जिंदगी में सिर्फ एक फलसफे पे आदमी फेल है, क्या, कि यदि वो ये जान जाए कि मुझे कहां समझौता करना है और कहां संघर्ष करना है. आदमी बहुत बार ऐसी गलती करता है, वहां समझौता कर लेता है जहां संघर्ष करना चाहिए होता है, और वहां संघर्ष करता रहता है जहां समझौता करना चाहिए था. ये कहकर छोड़ो, जाने दो. हेलो, ये चीज आप इस बिजनेस में सीख सकते हैं. जिंदगी भूल भुलैया है, जिंदगी 80-20 है, 80% विपरीत है, 20% है. लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा कि लाइफ इज स्कूल टू लर्न हाउ टू स्टे विद द चैलेंज विद द डिग्निटी. यानी जिंदगी एक स्कूल है, ऐसा मैंने पढ़ा, लाइफ एक स्कूल की तरह है जिसमें हमें यह सीखना है कि इज्जत के साथ, आत्मसम्मान के साथ चैलेंज, विपरीत स्थितियां, उनके साथ किस तरह से रहा जाए, क्योंकि चैलेंज तो दूर हो नहीं सकता. हेलो, स्थिति दर स्थिति दूसरा चैलेंज, मेरे साथ मेरे बराबर का चैलेंज, आपके बराबर आपके बराबर का चैलेंज, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने उनके बराबर का चैलेंज, बुश के सामने उसके बराबर का चैलेंज. हाँ जी, ठीक जा रही है अपनी बातचीत? हेलो, ये चीज जो विपरीत और संघर्ष की बात है, जहां पे आपका दम लगता है, जोर लगता है, जब कोई पोटेंशियल पर्सन आता है वहां भी ये स्थिति आती है. और जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तब ये स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है, क्योंकि जब ग्रोथ होती है, हाँ जी, तो दर्द होता है. कामयाबी हमेशा दर्द के साथ ही आती है. ग्रोथ, दर्द, एक ही बात है. जब दर्द हो तो सोचो कुछ नई चीज, कोई नई उत्पत्ति होने वाली है. सफलता की ये आदत है,
कि वो दर्द की कोख से जन्म लेती है, आराम की कोख से नहीं। और जो ग्रोथ का दर्द होता है वो एक बार होता है, और वो दर्द ना सहने की स्थिति में जो पश्चाताप का दर्द होता है वो सारी उम्र सताता है फिर। और तय करें कि दर्द एक बार सहना है, एक ही बार सहना है, मैं दूसरा पूछता ही नहीं। यस। तो वेन एवर यू फील टफ टाइम, जब आप विपरीत स्थितियों में जी रहे हों, जब सामने से चैलेंज आए, पर्सनली आई फील ब्लेस्ड कि मेरे सामने है, आज भी है, उस तरह के नहीं जिस तरह के आपके सामने, मेरे सामने अलग तरह के, ताकि मैं सीख सकूं। ईश्वर कमजोर आदमी को मुश्किलें देता है, इसलिए कमजोर आदमी को मुश्किलें देता है, क्यों? ताकि वो मजबूत हो जाए। मजबूत आदमी को इसलिए मुश्किलें देता है ताकि वो महान हो जाए, और महान आदमी को मुश्किलें इसलिए देता है ताकि उसको याद रहे कि मेन स्विच मेरे हाथ में है, तू इंसान है। हेलो। तो ये तो चलता रहेगा। अगर आप अच्छी और बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, बड़ी सक्सेस की कामना रखते हैं, तो बड़ी मुश्किल के लिए तैयार रहें। वो जब आएगी आपको पहले से थोड़ा ऊपर खड़ा करके जाएगी। देखिए, ये मैं 7 days की जहां तक बात करता हूं, वो तो वैसे तो कभी भी शुरू में, लेकिन जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, उस वक्त के जो चैलेंज है, मे बी कोई ऐसा अभाव हो, ऐसी कोई कमी आपके पास आ जाए, मे बी साधन की कमी है, मे बी टाइम की कमी है, मे बी कोई चीज, तब आप सोच सकते हैं कि यू नो टफ टाइम है। अभाव जो है, अभाव बहुत बुरा है, पर अभाव बहुत जरूरी है। हाँ जी, आप और मैं सब इस हॉल में इस समय इसलिए बैठे हैं कि कोई कमी है। हाँ जी, अभाव जो है, अभाव नहीं हो तो आदमी काम क्यों करे? अभाव पहला कारण है जो आपको गतिशील करता है। और वैसे भी ऐसा माना गया है कि सफलता जो है वो बहुत चतुर होती है, उसको अधिकांश स्थितियों में किसी व्यक्ति को तब नीचे गिराने में बहुत मजा आता है जब वो उसके पास पहुंचने ही वाला होता है। अधिकांश लोग ज्ञान, अनुभव, ये साधन, इन चीजों के अभाव में नहीं हारते, इसलिए हारते हैं कि जीतने से पहले घुटने टेक देते हैं। यूं भी जिंदगी ये क्या है, एक इंग्लिश में कोट भी है, सक्सेस इज ए यर्नी नॉट डेस्टिनेशन। एक शेर भी है, मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल मिली तो आगे बढ़ा दी। हाँ जी, जिस टॉपिक में बात कर रहा हूं, 7th one इज विपरीत स्थितियां, जहां पे आके हम रुक जाते हैं वो बड़ा सेंसिटिव मोड होता है। इस किताब के हवाले से, मैजिक ऑफ थिंकिंग, भी बड़ी सोच का बड़ा जादू, जब हम हारते हैं तब हम किस तरह से सोचते हैं इस बात पे निर्भर करता है कि अगली बार आप कितनी देर में जीतोगे। हाँ जी, विपरीत स्थिति में जो हमारे रिएक्शंस हैं, जो हमारे कमेंट्स हैं, जिस तरह से हम यू नो जो डिसीजन हम लें, जो हम विचार दिमाग में लाएं, उसके वो सारी चीज तभी क्लियर हो जाएगी, तभी तय हो जाएगी कि अगली बार आपने कितनी देर में जीतना है। जितना गलत, जितना रिवर्स आपका रिएक्शन होगा, अगली जीत आपकी उतनी दूर हो जाएगी। मैं भी कोई विपरीत स्थिति ऐसी हो कि आप बहुत सारा काम करें और आप अपनी अपलाइन से मिलें, आपके मन में हो कि वो जो आपकी अपलाइन है वो सज्जन बहुत खुश होंगे, और वो शायद रिस्पॉन्ड ही ना करें। हाँ जी, आप सोचेंगे जी छोड़ो यार, ऐसे बिजनेस की ऐसी तैसी नहीं करते, कोई गलत कमेंट, क्योंकि ह्यूमन है, इंसान है, हर आदमी सीख रहा है। मुझे याद है, मैं यू नो पहले 90 दिन में मेरी रॉयल्टी हो गई, मैं उम्मीद करता था कि वाह बल्ले बल्ले हो जाएगी ट्रॉफी का जब फंक्शन होगा। मुझे जब ट्रॉफी मिली तो उस मीटिंग में 55 लोग थे, मैं बड़ी उम्मीद करता था कोई ताली बजाएगा, किसी ने भी बजाई। हाँ जी, दैट कुड बी रिवर्स डे फॉर मी, दैट मे बी 7th day फॉर मी। हाँ जी, और जिस महापुरुष ने मेरे को ट्रॉफी दी, अगले महीने उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, कैसा लगा होगा? 7th day, खून पसीना एक करके एक पहले व्यक्ति को रॉयल्टी पे बचाया, एक बड़ी लेग में, अगले महीने ही कुट्स छोड़ दिया, दूसरे महीने उससे नीचे वाले को बचाया, तीसरे महीने ही कुट्स, अपने अपने कारण। ये सब रिवर्स है। आप किसी फंक्शन में जाएंगे ये बड़ी उम्मीद लेके कि ऐसा 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 होगा, बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब ख्याल आपको आएंगे, और वहां विपरीत स्थिति होगी। वो दिन होगा 7th day, सेंसिटिव डे। मैं ख्यालों ख्वाब की महफिलें ना बेकदरे शौक सजा सका, मैं ख्यालों ख्वाब की महफिलें ना बेकदरे शौक सजा सका, तेरी एक नजर के साथ ही मेरे सब इरादे बदल गए। रिवर्स हो सकता है। मुझे याद है, फंक्शन था इधर कुरुक्षेत्र में,
नाइट का बिग शो, देहरादून से एक अपने मित्र हैं, रॉयल्टी में हैं, तब उन्होंने पहली बार कई महीने के लगातार संघर्ष के बाद पहली बार 1,15,000 का बिजनेस किया था कि बहुत सारे लोगों को लेकर आया हूँ, ट्रॉफी मिलेगी। मैं सिंह साहब की बात कर रहा हूँ जिनका आप डांस देखते हैं, लेकिन वत्स साहब ने उनको बताया कि मेरे पास जो लिस्ट पहुंची है कंपनी से अचीवर्स की, उसमें आपका नाम नहीं है, क्योंकि किसी वजह से आपका 5,000 का बिजनेस, उसमें कोई करेक्शन थी, एनी कोई भी कारण था, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। मैं उनके साथ खड़ा था, मुझे धक्का लगा, पर उन्हें नहीं, उन्हें पता था कि ये वो 7वां सेंसिटिव दिन है, अब रॉयल्टी पे है, बहुत बड़ा बिजनेस है। रॉयल्टी, ट्रॉफी, ये सब जो चीज़ें हैं, आदमी के मन में बड़ी गुदगुदी होती है इसको लेके, होती है ना, होनी भी चाहिए, पर ये सम्मान जो है, सम्मान के साथ एक ही प्रॉब्लम है, ये जितना लेने जाओगे उतना दूर भागेगा, और सम्मान वैसे भी व्यक्ति का नहीं होता, उसके काम का होता है। इसलिए काम पे ध्यान दें, सम्मान आपको ढूंढता फिरेगा। और ये चीज़ों में भी आप किसी ऐसे फंक्शन में जाएं, देखिए मैं आज यहाँ हूँ, मुझे आप लोगों ने जिस तरह से रिसीव किया, जिस तरह से एस्कॉर्ट किया, जिस तरह से वेलकम किया, गुड फीलिंग, यू नो, ऑन टॉप। अभी मेरा जो कमिंग मंथ में जनवरी में शेड्यूल है, 5 दिन में 6 मीटिंग है और 4 स्टेट कवर होंगे, शायद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मुझे पता है 500 से लेकर 1500 लोगों की गैदरिंग किस तरह से वो मेरे को एस्कॉर्ट करेंगे। अब अगले ही दिन शायद मैं दिल्ली आऊँ, दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है, मेरे कुछ नए लोग हैं, मैं सोचूं कि उनको लेकर मैं फंक्शन में जाऊँ, और उस फंक्शन में क्या होगा मेरे साथ, शायद मेरे को 2 मिनट के लिए भी कोई माइक ना दे, मुझे वहाँ 3 घंटे बैठ के ताली बजानी है। आई नो द सिस्टम, यू मस्ट नो इट। कभी आप कुछ उम्मीद करके जाएं, आगे से आपको रिवर्स मिले। जिंदगी में ऐसे बहुत मौके आते हैं जब खाना भी होगा, भूख भी होगी, खाने की इजाज़त नहीं होगी। जिंदगी ऐसे मुकाम पे, ऐसे मरहले पे, ऐसे चौराहे पे आपको कभी खड़ा कर सकती है जब खुशी तो मिले पर हंसने की इजाज़त ना हो, जब गम तो मिले हमराज ना हो, कह ना सकें दिल का हाल, ना पूछ जुआ से दिल के अंदर आगे देख, आपको इजाज़त नहीं होगी कि आप किसी को कह दें, होता है ऐसा? हाँ जी, टफ टाइम, बहुत बार आपको ऐसे फैसले लेने होंगे जब बिल्कुल, ये 2 दिन जो मैंने इधर बिताए हैं इनको जिस तरह से मैंने प्लान किया था, हेलो, ये बिल्कुल उसके विपरीत रहे। मेरा बर्थडे भी था, मेरे पेरेंट्स इस टाउन में आए हुए हैं, मेरे बच्चों के साथ प्रोग्राम था यहाँ 2 दिन, उनकी शॉपिंग का भी, उनको घुमाने का भी, 8 महीने से मैं डेट दे रहा हूँ उनको, हेलो थोड़ा और सही है। अब जब सब चीज़ें पीक पे आई तो अचानक सरकमस्टांसेस बदल गए, मुझे 7वां देना है, सेंसिटिव है, कभी किसी के आने से, कभी किसी के जाने से, कभी किसी घटना से, कभी कई तरह के हालात आपके सामने आएंगे। अभी एक घटना घटी, अपना गढ़वाल में जो श्रीनगर है उसके पास एक बिजनेस है काफ़ी, वहाँ से बिजनेस सबमिट किया गया, कुरियर से जब आएगा तो कुरियर कैसे आएगा, बस में आएगा, तो बस खाई में गिर गई और वो कुरियर का बैग जो है वो 10-15 दिन बाद ट्रेस हुआ, यानी अगले महीने भी कोई वो सबमिट नहीं हुआ। अब मुझे ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने इतनी दूर जाके वो बिजनेस बिल्ड किया होगा और उस वजह से जितने चेक आने वाले थे और उस वजह से जिस व्यक्ति को रॉयल्टी पे पहुंचना था, कैसा रहा होगा 7th डे। बहुत बार आप बहुत ट्रैवल करके कहीं जाएंगे तो वहां पहुंचते ही 7वां दिन आपका इंतजार कर रहा होगा कि तुम्हें तो बुलाया इसलिए था कि तेरे को यह दिखाना था। ये बिजनेस कतई तौर पे अलग नहीं है हमारी जिंदगी से, हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं और जिस तरह के अनुभव, क्योंकि जब जीवन में होता है तो हम उसको नियति मानते हैं, मालिक की मर्जी मानते हैं, जब इस बिजनेस में कुछ होता है तो हम दोष देते हैं इसको उसको। वर्चुअली क्या होता है, वर्चुअली तो दर्द हो रहा होता है, डिप्रेशन में आदमी ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, बेचारगी में मुबतला होना आत्मदया कंफर्ट जोन है, विपरीत स्थिति में खड़े रहना, दिस इज व्हाट यू नीड। ठीक है, मुझे याद है कि जिस महीने मैंने ये बिजनेस साइन किया उस महीने
एक मैं और चीज़ बताऊंगी, ऐसे कई मौके आए पिछले 10-11 साल की लाइफ में जब कोई महत्वपूर्ण काम मेरे को पड़ा या मेरे ऊपर कोई इस तरह की दिक्कत आई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। बीइंग जर्नलिस्ट मैंने उन कामों को टेलीफोन पे करवाया, लेकिन लास्ट टाइम एक ऐसी घटना घटी कि वो काम होना ही नहीं है, बस ये हो गया। और प्रयास करने के बाद मैंने अपने घर में मिस्त्री को यह समझाया कि अब ये उस मालिक की इच्छा है, इसमें कुछ होगा, और हमने ये फैसला लिया कि हमें उसकी रजा में चलना है। वो दिन था मेरी मिसेज की पोस्टिंग, जिससे मेरा टोटल बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। लेकिन जब हम उस टाउन में गए, ट्रक में सामान गया, जिस कार में हम गए उसके ड्राइवर ने मेरे को आरसीएम बिजनेस की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। वो जो ट्रैवलिंग थी, वो जो पहला दिन वो मेरा इंतजार कर रहा था वहां पे, आई गॉट दैट ब्लेस फ्रॉम दैट टाउन। वहां जाके सामान रखा, घर की जो इनिशियल जरूरतें पूरी होती हैं, दूध वाला, कपड़े वाला, धोबी, ये वो बला बला, राशन की दुकान, वो फंडामेंटली सारे काम करके, मैं तो चंडीगढ़ में रहता था। दूसरे ही दिन जब मैं केवल ऑपरेटर के पास केवल कनेक्शन के लिए गया तो बस सब मेरे को मिले, उन्होंने मेरे को इस बिजनेस की कामयाबी का कनेक्शन दिया। इस किताब का अगर मैसेज आपने, मेरा चीज किसने हटाया, क्या मैसेज है कि जिस दरवाजे को आप खोलने के लिए परेशान हो, हेलो, मे बी उस कड़े वक्त में, मे बी उस सेंसिटिव टाइम में ईश्वर आपके लिए कुछ इससे बढ़िया परोस रहा हो। मेरा खसम है बहुता डाडा, मैनू हथ लगावी ना, पछतावे दी गुंजाइश रवे ना, ऐसी पुल कर जावी ना। वो बहुत डाडा है, वो मेरी फेवर में है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पर हम उसकी फेवर लें ऑल द टाइम, हिज सुपर डुपर अपलाइन। एक लड़का जिसके पास रोजगार नहीं था, उसने पेपर में एक ऐड देखा कि उस टाउन का जो बस स्टैंड है उसमें जो टॉयलेट होता है उस टॉयलेट पे अटेंडेंट की एक पोस्ट खाली है, जिसको बोलते हैं लू अटेंडेंट। उसने वो ऐड पढ़ा और उत्साहित हुआ और वो वहाँ गया, तो वहाँ उसका इंटरव्यू हुआ, यस हुआ कि आप काबिल हो, कर सकते हो। तो उसके सामने एक फॉर्म रखा गया कि इसमें साइन करो ताकि आपको जो नौकरी दे दें। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया कि मुझे साइन करना तो आता नहीं। तो सामने से जवाब क्या आया कि फिर ये नौकरी आपके लिए नहीं है। वहां से जवाब हो गया। जब वो वापस आया, रास्ते में आते हुए कोई फ्रूट वाला था, उसको उसने हेल्प किया फ्रूट रखने, साफ करने में, वहां से उसका रोजगार शुरू हो गया एक फ्रूट विक्रेता का हेल्पर के नाते। फिर वो उस बिजनेस में आ गया, फिर बड़ा बिजनेस हो गया, फिर उससे भी बड़ा बिजनेस हो गया। साल बीते, एक दिन ऐसा टाइम आया कि वो दुनिया के नामी ग्रामी एक्सपोर्टर्स जो थे फ्रूट के, उनमें उसका स्थान था, बहुत बड़ी कंपनी। तो एक बार किसी बहुत बड़े बैंक के साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होना था, तो वो अपनी मिसेज के साथ उस बैंक में गया और मैनेजर ने उसके सामने कुछ पेपर रखे। तो मैनेजर को पता था उसका स्टेटस क्या है, तो उन्होंने बोला कि साइन करना तो मेरे को आता नहीं। मैनेजर ने बोला कि तुम्हें साइन करना नहीं आता और तुम यहां तक पहुंच गए, तुम सोचो अगर तुम्हें साइन करना आता होता तुम कहां होते। कहता पता है, बस स्टैंड पे, लू स्टैंड पे। सो व्हाट रॉन्ग वी आर कीपिंग, विच टफ टाइम वी आर कीपिंग, विच हार्डशिप वी आर कीपिंग, दैट इज गॉड्स ब्लेस, दिस इज हिज विल। और जब उसकी खुशी है तो हमें खुश रहना चाहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।